वैसे तो आपने बहुत से शिव मंदिर, शिवालय और ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना और देखा होगा, पर गुवाहाटी का यह शिवालय पूरी दुनिया में एकमात्र विशेष शिवालय है जो अपनी खास भौगोलिक रचना और प्राचीन किंवदंती कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में, और आज हम देखेंगे गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ उमानंदा शिवालय। आसाम में गुवाहाटी शहर के पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है भगवान शिव का उमानंद शिवालय। इस शिवालय के बारे में कहा जाता है कि इसका वर्णन शिव पुराण और कालिका पुराण में भी मिलता है, जहां की कथाएं इस शिवालय को और भी रोचक और खास बनाती हैं। शिव पुराण और कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित पहाड़ी पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। इसी समय कामदेव ने यहां आकर उनके ध्यान को भंग कर दिया था। भोलेनाथ के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए थे, तभी से इस पहाड़ी को भस्मांचल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय पुजारियों द्वारा भी एक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में गुवाहाटी शहर को प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस टापू द्वीप के दाहिनी तरफ के तट पर एक व्यापारी रहता था, जिसके पास कई पशु थे। कहते हैं कि उसमें से एक कामधेनु गाय प्रतिदिन भस्मांचल पहाड़ी पर दूध देने आया करती थी। उत्सुकतावश उस व्यापारी ने उस गाय का पीछा किया और ये पाया कि गाय रोज एक बेल के पेड़ के नीचे ही आया करती है। ठीक उसी रात स्वप्न में व्यापारी को ईश्वरी दर्शन हुए और उसके स्वप्नानुसार पहाड़ी के बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जिसको यथोचित विधि के अनुसार स्थापित किया जाए। कहते हैं कि उसी रात भयानक भूकंप से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में परिवर्तन आया और भस्मांचल पहाड़ी चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा से घिर गई। जल का स्तर कम होने पर व्यापारी ने उस जगह पर आकर खुदाई की और शिवलिंग को पाया। कहते हैं कि उस व्यापारी ने सबसे पहले भस्मांचल पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की। तो इस प्रकार यहाँ के शिवलिंग की उत्पत्ति की ये लोक कथा काफी प्रचलित है। समय के साथ साथ मंदिर के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। वैसे तो इतिहास में इस मंदिर के निर्माण के काफी वर्णन नहीं है, पर मौजूदा साक्ष्य के अनुसार सन 1694 में अहोम राजा गदाधर जी द्वारा यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया था, और बाद में सन 1897 के विनाशकारी भूकंप से वह मंदिर खंडित और क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद यहाँ एक नए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। कहते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण एक स्थानीय व्यापारी द्वारा कराया गया था। एक बात और जो इस टापू को खास बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना यह भस्मांचल पहाड़ी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। कहते हैं कि यह संसार का सबसे छोटा रिहायशी टापू है, जहां आज भी इंसानों की आबादी रहती है। सावन के महीने में इस मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। इस मंदिर परिसर में अनेक छोटे छोटे मंदिरों को समाहित किया गया है, जिनका अपना खास महत्व है। ब्रह्मपुत्र नदी के कई घाटों से भस्मांचल पहाड़ी उमानंद मंदिर में पहुंचा जा सकता है। अधिकांशतः लोग उजान बाजार या काहरी घाट से फेरी के द्वारा इस मंदिर पर पहुंच सकते हैं। यदि आप गुवाहाटी की यात्रा में आए हैं तो सफेद रेत के घाटों से होते हुए स्थानीय निकाय के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाली फेरी की यात्रा भी अपने आप में एक अलग महत्व रखती है, और इसका अनुभव आपको काफी रोमांचक लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की तेज बहती हुई जलधारा को चीर कर आगे बढ़ती हुई फेरी के साथ साथ चलती हवाओं के झोंके अपने आप में एक अलग अनुभव और स्मृति तैयार करते हैं। उमानंद मंदिर की यात्रा के बाद शाम को ढलते हुए सूरज के गुलाबी किरणों की रोशनी में इस विशाल काय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी किसी बड़े कैनवास पर सजाए गए दृश्य सा दिखता है। प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और आध्यात्मिकता की सहज भावना के बीच उमानंद मंदिर की यात्रा आपके लिए खास स्मृति बनाती है, क्योंकि यह मंदिर नदी के बीचों बीच
अलग रूप से विशेष टापू पर बना है, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए एक खास समय है। सामान्य तौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय फेरी द्वारा एक विशेष समय सुझाया जाता है। सुबह के 5:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस मंदिर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। उमानंद मंदिर की यात्रा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आप द बंजारा मैन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि जल्द ही नई नई जगहों के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद।